हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। उस दिन फर्स्ट चैप्टर का तो शुभाग भाग था, 22 तक मैंने कराया था। क्वेश्चन आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 23 नंबर से देखें क्या है। कह रहा है, समान आकार के दो सुचालक गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। वे एक दूसरे को 10^-5 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। दो गोले हैं, प्रत्येक पर 10^-5 कूलाम का प्रत्येक पर समान आवेश है प्लस क्यू कूलाम, और दोनों एक दूसरे को 10^-5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कह रहा है, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है, फिर बी को, इसके पश्चात ए और बी के ठीक बीच में रख देते हैं। सी पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? अब आप पहले देखें किया क्या गया कि एक गोला और लिया गया, इसको ए मानिए, इसको बी। एक गोला और लेते हैं सी, उसी आकार का, इसको पहले इनसे स्पर्श कराते हैं। इसका आवेश पहले कितना था? जीरो था, ठीक है। और जब इसका आवेश जीरो था, तब देखिए स्पर्श कराने के पश्चात अब इन दोनों का आवेश कितना हो गया? क्यू ए डैश बराबर क्यू सी डैश। स्पर्श कराने के बाद जो आवेश होता है वो ये होता है बेटा, तो क्यू प्लस जीरो बाई टू, ये वितरण पुनः होता है आवेश हो, 1/2 क्यू। फिर आपने कहा कि आपने इस क्यू सी डैश को एक बार फिर से किससे स्पर्श कराया? बी से कराया, इसी गोले को। तो जब उससे स्पर्श कराया तो अब मान लेते हैं QB का चार्ज QB डैश हो गया और QC का चार्ज QC डबल डैश हो गया। अब जो चार्ज होगा वो क्या होगा? वो QB प्लस QC अपॉन टू, एंड QB का तो Q है और QC का Q बाई टू है, एंड अपॉन टू बेटा टू वन जर टू टू थ्री बाई थ्री क्यू बाई फोर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा चार्ज दोनों पर। अब क्या प्रश्न कर रखा है कि इस सी वाले गोले को इन दोनों के ठीक बीच में रख देते हैं और इस पर नेट बल बताना हुआ है। तो अब देखें, इस पर क्यू बाई टू है और इस पर थ्री क्यू बाई फोर है, इस पर भी थ्री क्यू बाई फोर है, इस पर नेट बल बताना हुआ। तो इस पर नेट बल मैं आपसे कहूं, पहली बात तो इस पर जो बल लगेगा, एक बार इसके कारण इधर प्रतिकर्षण लगेगा और इसके कारण भी इधर प्रतिकर्षण लगेगा, तो सी पर दो बल लगेगा, तो जो नेट निकल कर आएगा वो वास्तव में सी पर जो बल ए से लगेगा और जो बल सी पर बी से लगेगा उसके डिफरेंस के बराबर होगा। प्रश्न ये है कि दोनों पर सी पर बल ए के कारण लगेगा कितना, वो निकल जाएगा 1/4πε0 इंटू व्हाट विल बी क्यू सी मल्टी क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। इफ यू कंसीडर दैट द टोटल डिस्टेंस इज आर, देन इट विल बी आर बाई टू इफ यू कंसीडर टू मी एंड होल स्क्वायर, माई डियर स्टूडेंट। एंड नाउ एफ सी बाई ए इज 1/4πε0, क्यू सी इज क्यू थ्री क्यू बाई फोर, एंड क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बाई टू, दैट इज आर बाई फोर आफ्टर स्क्वायरिंग दिस वैल्यू। सो 1/4πε0 एंड इट विल बी 4 कैंसिल आउट, दैट रिमेन्स हियर 3Q² / r². दिस इज द एफ सी बाई ए, एंड नाउ द कैलकुलेटिंग एफ सी by b will be 1/4πε0, my dear students, and the value of fc if you consider to me that is 3q by 4, and also qb is equal to 3q by 4, and distance is r by 2, then square 2 fcb, that will be 1/4πε0, my dear students, this will be 9q² / 4. Here also remains 2, that's I forgotten. So 9q² / 4 r² fc / b.
आई वॉन्ट टू से टू यू बेटा हियर रिमेन्स 3/2 दैट इज 1.5 एंड 9/4 दैट विल बी 2. समथिंग सो दिस इज ग्रेटर देन वी कैन से नाउ एफ सी बाई बी इज ग्रेटर देन एफ सी बाई ए इट इज राइट सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज दैट क्वेश्चन इज एफ सी नेट विल बी एफ सी बाई बी माइनस एफ सी बाई ए सो नाउ सब्सट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट द वैल्यू व्हाट बेटा सब्सट्रैक्ट दिस एफ सी बी माइनस एफ सी ए सो 1/4π ε01b कॉमन एंड हियर रिमेन्स क्यू स्क्वायर ऑल्सो अपॉन आर स्क्वायर विल बी कॉमन सो नाउ 9/4 माइनस 3/2 वॉट इज दिस इफ यू कंसिडर टू मी अगर आप हमको माने तो ये क्या चीज है ये एफ ए बी है 1/4π ε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज प्रोवाइडेड 10⁻⁵ न्यूटन एंड यू हैव टू डू कैलकुलेशन ऑन दिस सो 3/4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सो आंसर विल बी 3/4 इज 7.5 × 10⁻⁶ न्यूटन What will be the direction of the force? That will be also in this direction, beta, towards A. I think you understood this question.